मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम जाएंगे, आज है श्रावण महीने का लास्ट सोमवार, तो आज जाएंगे हम मंदिर में जो हमारे शिवालय है। तो अभी जाएंगे हम वहाँ शिवालय में, और मेरे साथ जा रहा है अनमोल और एक लड़का और जा रहा है दलीप। तो हम जाएंगे अभी शिवालय, और अनमोल भी तैयार हो चुका है एकदम रेडी से। ऐसे अभी हम जा रहे हैं, और हमारे दोनों नन्हे मुन्ने यहीं पर सो रखे हैं क्योंकि ये कुंटर से कल आ गए थे। तो बच्चे अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तब तक यहाँ की रखवाली करना, बंदर ना आने देना, ठीक है? चल ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा। और तुम यहीं पर रहो, चुपचाप बैठे हुए, ठीक है? सो अभी हम चलते हैं, और अभी हमारा दोस्त भी आ चुका है, और लोग सभी शिवालय जा रहे हैं, तो हम भी शिवालय चलते हैं। तो गाइस हमारे साथ भी आ चुका है दलीप, और हम जाएंगे अभी महाकाल के मंदिर में, और मिलते हैं उनको सीधे मंदिर में। और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ से अपने सुंदर से गांव का व्यू, क्योंकि आजकल है श्रावण महीना, और जो हरियाली दिख रही है यहाँ से एक नंबर है, वो आप भी चेक करें। सो देखिए ये रहा नाला, ये गवाना का गांव है सारा, यहाँ नीचे हमारा गांव, और यहाँ से हमारे खेत के प्यारे दिख रहे हैं। आजकल जंगल भी देखिए क्या हरे लग रहे हैं। हमें जाना है यहाँ से करबिनन 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर है यहाँ मंदिर हमारा शिवालय, वहाँ तक जाना है। जय हो भूमि देवता। तो यहाँ पे हमारे गांव का कार्तिक स्वामी देवता मंदिर, जो कि हमारे गांव के टॉप में है और सड़क के बगल में। तो आज शाम को यहाँ पे शायद कीर्तन है, क्योंकि आज ये लास्ट वो है यहाँ पे सोमवार, तो महिला मंगल दल ने यहाँ पे कीर्तन रखे हुए है, तो आज लास्ट कीर्तन। तो जय हो भूमि देवता, आपको शाम को मिलाएंगे यहाँ पे कीर्तन मंडली से। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी भोलेनाथ की गेट पर। जय हो भोलेनाथ। अब यहीं से जाते हैं पैदल के लिए, कम से कम होगा आधा किलोमीटर नीचे, वहाँ पे हमारा भोलेनाथ का मंदिर। और दलीप भाई पहुँच चुका है, अनमोल जा रखा है धूप के लिए दुकान में, तो धूप लाता है, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। देखिए आजकल क्या बारिश के क्या भयंकर गाढ़ आ रखे, नदी आ रही, बहुत ये हमारा गदेरा होता है आजकल, यहाँ पानी बहुत बढ़ गया है। तो आजकल बरसात हो रही थी इस कारण यहाँ पानी भी बहुत बढ़ गया है। यहाँ से देखिए क्या प्यारे प्यारे खेत आ रहे हैं, खेतों में आजकल रोपाई लगी हुई है, और धान भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं अब। तो यहाँ से शिवालय अब कुछ ही दूरी पर है, तो हम पहुँचते हैं भोलेनाथ के मंदिर में। जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में, और ये हमारे लोकल भोलेनाथ मंदिर है। पहुंच चुके हैं शिवालय में, और शिवालय के यहाँ पे है पानी का धारा, और यहाँ पे पूजा होती है भोलेनाथ की, और ये है पूजा। हेलो गाइस, अभी ये बहुत मजाक बना रहे थे, और ये है नवीन, हाय। और यहाँ पे दलीप भाई, वहाँ पे अभिषेक है, तो ये सारे क्लासमेट हैं, और आज सारे क्लासमेटों को यहाँ पे मिलना की प्लानिंग थी सारी। और यहाँ पे अभिषेक भाई की आज पूजा पाया थी यहाँ पे, कुछ बढ़ गई है। क्या पूजा थी भाई, है क्या पूजा थी यहाँ पे? कंट्रोल कंट्रोल। सो यहाँ पे है पानी का धारा, तो यहाँ पे पानी का धारा पे अभी पूजा पाजा भी होती है। यहाँ पे अभी हम दुग्ध दाब चलाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर में। हेलो पूजा के दगड़िया। ला ला ला, ये पूजा और ये नवीन आगे हैं पूजा करके, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर में, और सभी चले गए आगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे पूजा पाजा करेंगे।
सो हम आ गए हैं अभी मंदिर से। वहाँ पे देखा होगा आपने कि किस तरह से महिला संगीत गा रहे थे लोग, और वो कीर्तन भी चल रहा था वहाँ पे कीर्तन। यही तो यही आजकल पहाड़ों का जो कल्चर होता है वही बचा रहे हैं, और इन्हें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है जो कि महिला मंगल दल आए थे और जो वहाँ पे कीर्तन गाए गए थे बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आपको उस ब्लॉग में देख ही लिया होगा। पहले इस चढ़ाई को पार करते हैं, सड़क में पहुँचते हैं जहाँ पे गाड़ी है, फिर वहाँ से तब घर चलेंगे, उसके बाद मंदिर में अपने